देखिए, किसान हित में ये अध्यादेश है। किसान को अपनी आर्थिक फ्रीडम के लिए ये अध्यादेश बनाया गया है। हमारा सपना 2022 तक किसान की डबल आय करने का ये जो सपना है, इसमें ये अध्यादेश कारगर सिद्ध होगा। और अध्यादेश हमने अभी ये बनाया है, इसमें कैबिनेट का फैसला बाकी है। किसान भाइयों को कोई सलाह देनी हो, किसान संघर्ष समितियों ने कोई सलाह देनी हो, उसके लिए सरकार मानने के लिए तैयार है। अगर किसान हित में अगर वो सुझाव देते हैं तो सरकार मानेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसान के को आगे बढ़ाने में ये सहयोगी रहेगा। जिस तरह सड़कों पे उतरे किसान, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है अध्यादेशों में, कहीं ना कहीं खामी तो है सड़कों पे। तो 2016 में भी उतरे थे आरक्षण को लेके, क्या न्याय था? तो ये सड़कों पे तो उतरेंगे ही। अब सड़कों पे मेरी विचारधारा के 100% लोग थोड़ी होंगे, कुछ वो भी हैं। और सड़कों पे कितने लोग उतरे हैं, ये खामखा का बबल्ला बनाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा आप देखेंगे, जब भी आपने देखा है, अगर भाई कितने लोग सड़कों पे उतरे हैं। तो और आप ये देखिए, प्रगतिशील किसान हमारे हैं, प्रगतिशील किसान 20,000 कम से कम संख्या हमारे प्रदेश में है, जो लोग अपनी पैतृक जो फसल है उससे उभर के ओपन मार्केट में आना चाहते हैं। और उनसे उनके जब पूछेंगे तो किसी ने एक एक एकड़ में दो दो चार चार लाख रुपए कमाने का भी काम किया है अपनी नई फसल उगा के। तो वो भी तो किसान है, ये भी किसान है। तो किसान के लिए ये फायदे का मैं समझता हूँ है, और किसान को पूर्ण आज़ादी है। जैसे मैंने चार बातें बताई, किसान अपना माल खुद बेच सकता है, किसान सामूहिक संगठन बना के अपना माल बेच सकता है, किसान किसी के कॉन्ट्रैक्ट करके अपना माल बेच सकता है, और किसान का माल MSP पे मंडियां एज इट इज चालू रहेंगी, उसमें अपना माल बेच सकता है। देखिए, उनके चर्चा करने के लिए सरकार ने कहा ना कि हम तैयार बैठे हैं, किसान आए, राजनीतिक लोग ना आए, क्योंकि किसान के हित में राजनीतिक लोग फायदा नहीं कर पाएंगे। किसान आए तो किसान के लिए सरकार के दरवाजे खुल लें, अपनी बात रखें और सरकार उसको मानेगी। जो अपना एम्स का चल रहा है, उसमें क्या स्टेटस है अभी तक का? जैसे परसों मीटिंग हुई चंडीगढ़ में, तो क्या कुछ उम्मीद है कि अभी देखिए उसकी तैयारी चल रही है। आपने देखा भी है कि उसकी तैयारी के निमित्त परसों चंडीगढ़ में भी बैठक थी अधिकारियों को लेके, और उसी का ही, क्योंकि सेंटर की टीम आने वाली है 25 तारीख को, और उसमें उसकी तैयारी के निमित्त हो रही है। अब जब तक तैयारी पूरी नहीं हो जाती तो मैं उस पर कोई बयान नहीं देना चाहता, लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार पॉजिटिव है। एम्स मनेट्टी माजरा में ही बनेगा, और आज हम उसके पूरी तैयारी कर रहे हैं। 350 एकड़ आ गई है, बीच में पैच वर्क बचे हैं, उनको भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैं किसान भाइयों से या जिनकी ज़मीन जा रही है उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य इससे जुड़ा है, उसको उस भावना से लेके और सरकार का सहयोग करें।